भाई 23,000 का ये फोन है और इंडिया के अंदर है ना पोको F6 के नाम से लॉन्च होगा। ऊपर से जो प्रोसेसर होगा ना स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होने वाला है जो 14 लाख के एंट्रोडू स्कोर निकालेगा। अभी इस प्रोसेसर के बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या निकल कर आया, क्यों स्नैपड्रैगन इसे लॉन्च किया, वो पूरा थियोरी डिटेल में आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। इनकेस अगर थोड़े से क्यूरियस हो गए तो एक बार चेक कर लेना। वैसे लेकिन जो मेरे हाथ में फोन है ये अभी के लिए है Redmi Turbo 3। अगर इस फोन के लुक्स को देखोगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा है। पीछे की तरफ मस्त हमें मैटी फिनिश प्लास्टिक मिलता है, पर लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल है ना ऐसा लगता है कि रियलमी के कुछ फोन आए थे बीच में, इवन रेडमी के भी है, उसके थोड़ा सा ना मिलता जुलता डिजाइन है। साइड के प्लास्टिक की फ्रेम है, लॉक बटन है, ऊपर की तरफ फायर ब्लास्टर, सेकेंडरी स्पीकर और सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन, और यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड का सपोर्ट है, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, और नीचे भी आपको बाकी सारा सेटअप सब कुछ मिलता है। सामने से भी देखोगे तो फोन के बेजल्स लिटरली एकदम कम देखने मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्लैगशिप देखने मिल रहा है। और रही बात लुक एंड फील में, इन हैंड फीलिंग में एकदम प्रॉपर कंफर्टेबल देखने मिलता है। और इसमें जो पीछे की मॉड्यूल में डिजाइन देखोगे तो एक जो रिंग लाइट टाइप का इफेक्ट देखने मिलता है, तो ये थोड़ा सा ना ये भी इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से डिजाइन में लेकर आया, वरना मोस्ट ऑफ आपको वीवो वाले फोन्स में देखने मिलते थे। बाकी रही बात देखो प्रोसेसर में, जैसे मैंने ना बताया आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर 4nm वाला प्रोसेसर होगा, 14.5 लाख के ऊपर के पावरफुल एंट्रोडू स्कोर निकालता है। और देखो एक चीज मैंने नोटिस करी थी, ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल तो है लेकिन ये फोन के साथ में ना बहुत ज्यादा मैं कहूंगा या इनके सॉफ्टवेयर के साथ में बहुत ज्यादा हीटअप भी करता है। मैक्सिमम मैंने जिस पे कैप देखा है ना 46 डिग्री का है, 46 के ऊपर नहीं जाता बट 46 पे कैप्ड हो जाता है। जब इस फोन का पूरा पोटेंशियल यूज करोगे, पावर यूज करोगे ना, तो बैक एंड वगैरह जो भी होगा ना वो अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, ओवरऑल ये समझ के चल सकते हो। लेकिन इस पावर को अगर आप कहीं यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग गेमिंग में लेके जाते हैं जहां पर BGMI पर अभी 60 FPS की गेमिंग अनलॉक करता है, और 60 FPS पर इस फोन पर आप तबाही परफॉर्मेंस निकाल सकते हो अंडर 25,000 में एक अच्छा प्रोसेसर बेसिकली आपको मिलने वाला है। और इस प्रोसेसर में मैंने 60 FPS की गेमिंग करी है ना, तो वहां पर मुझे स्टेबल लॉन्ग टर्म वाले गेमिंग FPS आराम से मिलते हैं। बस एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, लॉन्ग टर्म गेमिंग मतलब 1 घंटे की गेमिंग भी समझ लो ना, तब जाके ये फोन अच्छा खासा आपको हाथों में थोड़ा सा मैं कहूंगा गर्म फील होता है। और आजकल का जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें तो लिटरली अच्छा खासा पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर लेकिन इतना है, डेफिनेटली आपको इसमें पावर सब कुछ बेहतरीन मिलने वाली है। आपके नॉर्मल टास्क वगैरह चलाओ, कुछ भी चलाओ, कहीं हैंग ऐसा कुछ तो इश्यू देखने नहीं मिलेगा, सारे टास्क को रन करवाने के लिए कैपेबल है ये पूरा प्रोसेसर। एक चीज और अच्छी है, यहाँ पर LPDDR5X वाली रैम है और जो स्टोरेज है ना वो भी फास्टर है UFS 4.0, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी आपको तबाही मिलती है। और CPU थ्रॉटल जितना मैंने चेक किया ना वो कुछ 86% अराउंड निकल कर आया। बैटरी में यहाँ पर 5000mAh के साथ में गया हुआ है रेडमी, और साथ में 90W के चार्जर के साथ में मिल रहा है। अच्छा खासा मैं कहूंगा जो चार्जिंग स्पीड है, मतलब 40-45 मिनट के अंदर आपका पूरा फोन 100% चार्ज की तरफ निकल जाएगा। मैंने ना इस पे एक चेक करके देखा था फर्स्ट टाइम जब एंड्रॉइड निकाले थे ना पावर को चेक करने के लिए, 14.5 लाख का एक तो स्कोर आया था, बट उसके मैंने 2 दिन बाद में फिर से इसको रेंडर करके देखा, मतलब एंड्रॉइड निकाल रहा था, तब मेरे स्कोर बहुत ज्यादा कम देखने मिले, मतलब 14 लाख के आसपास मैं कहूंगा निकल कर आया। उसके बाद में वहां पर टेम्परेचर सेम 46 डिग्री पे ही रहा, लेकिन जब उसके बाद में मैंने तुरंत उसमें निकाला ना एंड्रॉइड स्कोर, तो वहां पर ये थोड़े से स्कोर बूस्ट कर गया, मतलब 14,000 थोड़ा सा बूस्ट कर गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर अभी जो बैटरी मेरी 7% की ड्रॉप हो गई और ओवरऑल जो टेम्परेचर था वो अभी भी 46 डिग्री पर कैपेबल, मतलब कैप करके रखा हुआ। तो जितना मैंने नोटिस किया 46 डिग्री पर ये फोन एंड्रॉइड बेंचमार्क पर इतने टेम्परेचर फिलहाल तो मुझे देखने मिले। बाकी इसके अंदर इन्होंने ना वेपर चेंबर कूलिंग वगैरह से सब लगा के रखा है, बट हाथों में वार्म तो फील हो रहा था। शायद ये इंडिया में आएगा और अच्छा वेल ऑप्टिमाइज होगा, वो तो जब इंडिया में लॉन्च होगा तब एक बार फिगर आउट कर लेंगे। वैसे अगर आप लोग इस फोन को इंडिया में पोको F6 के नाम से भी जाना चाहते हो, मतलब मिलना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग इस फोन की बेस्ट प्राइसिंग क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है कि शाओमी या रेडमी पोको जो भी कह लो, ये लोग शायद से इस फोन की प्राइसिंग को है ना मतलब 25,000 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग वेरियंट को लेकर, और वहां पर शायद से कुछ कार्ड ऑफर लगा के शायद आपको 25 मिले या फिर स्टार्टिंग ही 25 मिले। वैसे आप लोग क्या प्राइस में इसे बेस्ट समझोगे कि भाई इस प्राइस में मिलेगा तो एकदम तबाही हो जाएगा, एक बार जस्ट कंफर्मेशन के लिए कमेंट में जरूर बता देना। वैसे इस फोन का गेमिंग रिव्यू चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना, फटाफट वो गेमिंग रिव्यू आपको गेमिंग पाठशाला पर डेफिनेटली जल्दी मिल जाएगा। देखो नेटवर्क, 5G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आपको सही मिलती है, मतलब अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और इसमें सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, मैंने जितने बार भी ट्राई करके देखा अच्छी तरीके से अनलॉक करके दिया। जो डिस्प्ले है ना 6.67 इंचेस की 1.5K AMOLED वाली डिस्प्ले है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, बट इसका मेन सेलिंग पॉइंट होगा 2400 nits की पीक ब्राइटनेस। जितना मैंने इसे यूज किया है ना इंडोर में, आउटडोर में, हार्श सनलाइट में, डिस्प्ले इनफ ब्राइटर है,
कुछ ऐसे सिनारियोस होंगे HDR कंटेंट में, जब जाके वहां पर समझ लो आपको 24p नीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके डिस्प्ले इतना ब्राइट अप होगा। बट फोन्स वगैरह में इतने ज्यादा पता चलता नहीं, बट हाँ हार्ड सनलाइट में डिस्प्ले इनफ ब्राइटर है, वो मैंने नोटिस किया है। बाकी इस पर डिस्प्ले पे ना गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। अब वो कितने लेवल की है वो एग्जैक्ट तो यहाँ पर अभी नहीं बताया, बट विक्टस जरूर मिलता है। बाकी बहुत सारे डिवाइसेस में आजकल ऐसे इश्यू देखने मिलता है कि 25,000 के फोन में ना, मतलब 4K और इवन 30,000 में 4K ढंग से चलता नहीं यूट्यूब पे HDR खास करके, बट इसमें बराबर चल रहा था। बाकी ऐसा डॉल्बी विजन वाले कंटेंट भी आप इसके अंदर देख सकते हो। डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, 60-40 वाला रेशियो है, इनफ लाउडर है, आप आराम से अपना कंटेंट रीच वगैरह आराम से कर सकते हो। और है ना बहुत सारे ब्रांड है ना आजकल ये वाटर टच वाला मतलब पार्ट लेकर आ रहे हैं, और वो इसके अंदर भी मिलता है, मतलब पानी के छींटे वगैरह पड़ जाएंगे तो भी आप डिस्प्ले प्रॉपरली यूज कर पाओगे। और इसके अंदर है ना एंड्रॉइड 14 आ रहा है, हाइपर ओएस भी मिलेगा, और कहा जा रहा है कि 3 साल का एंड्रॉइड भी अपडेट देखने मिलेगा, वो तो इंडिया में जब लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। बाकी यूआई को लेकर अभी ज्यादा ऐसे बताऊंगा नहीं, हालांकि स्मूथ और एनिमेशन वगैरह परफेक्ट चल रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी चाइनीज यूआई मतलब कह सकते हो ब्लोटवेयर वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है, तो उनके बारे में तो भी कम ही बात करी जाएगी, जब इंडिया में लॉन्च होगा तब बेटर तरीके से बात करेंगे ओएस को लेकर। और जो कैमरास वाले नंबर है ना वो भी सही है, मतलब मैं कहूंगा 50 का मेन मेगापिक्सल वाला कैमरा आता है लाइटा सेंसर के साथ में, सोनी का लाइटा 600 सेंसर के साथ में मिलता है, और 8MP का अल्ट्रा वाइड और सेल्फी 20 मेगापिक्सल्स के साथ में। कुछ फोटोज यहाँ पर हमने ट्राई आउट करके देखे, फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं कहूंगा एक बार सॉर्टेड देखने मिलते हैं, बट इतना है कि इंडिया में आते आते ना इंडियन ह्यूमन स्किन टोन्स की जो मैं कहूंगा वहां पर थोड़ा सा रिफाइनमेंट अलग हो जाती है, तब बेटर तरीके से बात होगी, बट अभी के लिए मैं कहूंगा कंक्लूजन के हिसाब से एक बेटर फोटोज फिलहाल तो निकाल दे रहे हैं। बाकी मेन कैमरा पे 4K 60 ले सकते हैं, और सेल्फी पे 1080p 60fps का ही कंटेंट शूट कर पाओगे, और वीडियो क्वालिटी एक बार डिसेंट देखने मिल जाती है। और इसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम है ना आपको अल्ट्रा वाइड 1x ऐसा 2x जाने का नहीं मिलता, एक स्लाइडर मिलता है जो कि अच्छा नहीं लगता यूज करते टाइम। बाकी देखो ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से अगर ये फोन इंडिया में पोको F6 के नाम से आता है या फिर Redmi Turbo 3 नाम से भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर अच्छी खासी मिल जाती है, बट आपको इसमें थोड़े हीटिंग इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेट्स सी इंडियन सिनेरियो में जब लॉन्च होगा तब कितना बेटर होगा वो तब ट्राई आउट करेंगे। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी 125,000 में, और इसी प्रोसेसर के साथ में आपको अपकमिंग बहुत सारे फोन देखने मिलने वाले हैं, इस चीज के लिए आप रेडी रहना, जिसमें से एक पहला ही पोको F6 आपको समवेयर कहीं देखने मिल सकता है या फिर iQOO का टर्बो देखने मिल सकता है। पता नहीं टर्बो वाला क्या सीन चल रहा है, जो भी इस प्रोसेसर का नाम था ये भी टर्बो इन्होंने नाम दिया, iQOO भी टर्बो नाम दे रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग इसकी क्या बेस्ट प्राइसिंग होनी चाहिए कमेंट में जरूर बता देना, गेमिंग के लिए कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।